दोस्तों, अगर आपको जादुई पेंसिल मिलेगी तो आप क्या करोगे? एक ऐसी पेंसिल जिसे चित्र बनाते ही वो हकीकत में बदल जाए। एक बार ऐसी ही एक पेंसिल हमारे चंदू को मिली। उसके बाद जो कुछ हुआ वो जानने के लिए आपको ये कहानी अंत तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसी ही मजेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कई बरसों पहले की बात है, एक गांव में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो लकड़ी लेकर कच्ची जमीन पर चित्र बनाता रहता। चंदू बहुत गरीब था, इसी कारण उसके पास कागज और पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो हमेशा सोचता कि मेरे पास कागज और पेंसिल होती तो मैं रोजाना अच्छे अच्छे चित्र बनाता। अरे वाह, अब मैं इससे एक पेंसिल खरीद लूंगा। चंदू खुशी से झूमता हुआ बाजार की तरफ निकलता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी भूख से बिलखता हुआ नजर आता है। कुछ खाने को दे दो भाई, दो दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो भाई। उसे देख चंदू को उस पर बड़ी दया आती है। दुकान पहुँचने पर वो पेंसिल की तरफ देखता जरूर है, मगर उसके बजाय वो कुछ खाने का सामान और एक पानी की बोतल खरीद कर वापस उस बूढ़े आदमी के पास आता है। ये लो बाबा, तुम काफी थक गए हो, लो पानी पियो और कुछ खा लो। शुक्रिया मेरे बच्चे। बूढ़ा आदमी चंदू के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे उपहार में एक पेंसिल भेंट देता है। शुक्रिया बाबा, मुझे इस पेंसिल की जरूरत थी, मुझे चित्र निकालना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है चंदू, लेकिन ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, ये पेंसिल एक जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से तुम जो भी बनाओगे उसमें जान आ जाएगी और वो सच में तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना ही नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तुम मेरा चित्र बना लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। चंदू पेंसिल की परीक्षा लेने की सोचता है। वो कागज पर एक तालाब का चित्र बनाता है और वो तुरंत हकीकत में बदल जाता है। शुक्रिया बाबा, ये तो सच में जादुई पेंसिल है। चंदू घर जाकर उस जादुई पेंसिल से अपनी जरूरत की हर चीज का चित्र निकाल कर उसे हकीकत में बदल देता है। वो अपने माँ बाप के लिए भी नए कपड़े, गहने और बड़ा सा घर बनाता है। इस तरह चंदू उस गांव का एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। वो उस जादुई पेंसिल से गरीबों की मदद भी करता है। हाँ? हाँ। ये लो चाचा, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चंदू इसी तरह हमेशा लोगों की मदद करता था। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने चंदू को महल में ले आने का आदेश दिया। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई पेंसिल है, चलो अब जल्दी से उस पेंसिल को मेरे हवाले कर दो। महाराज, आप तो सर्व संपन्न हो, आपको इस पेंसिल की क्या आवश्यकता है? मैं इस पेंसिल के सहारे गरीबों की मदद करता हूँ। राजा को चंदू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। राजा चंदू के हाथ से वो पेंसिल छीन लेता है और खुद एक पेड़ का चित्र बनाता है, लेकिन वो पेड़ प्रकट नहीं होता। सुनो लड़के, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करना, चलो जल्दी से मेरे लिए सोने के पंछी का चित्र बनाओ। राजा पेंसिल चंदू को देता है और उसे सोने के पंछी का चित्र बनाने कहता है। तभी चंदू को उस बूढ़े आदमी की बातें याद आती है। प्रणाम महाराज, आपके पास इतनी संपत्ति होकर भी आपने लालच में आकर चंदू से उसकी पेंसिल छीन ली, लेकिन आप एक बात को भूल गए कि चंदू एक कलाकार है और एक कलाकार ही अपने चित्र में जीवन ला सकता है, आप नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शर्मिंदा होकर बूढ़े आदमी से माफी मांगता है। बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। राजा चंदू को उसकी पेंसिल वापस देकर उसका सम्मान करता है। चंदू ईमानदार और सच्चा था, इसीलिए उसे जादुई पेंसिल मिली। मगर राजा स्वार्थी था, इसीलिए उस पेंसिल का जादू असर ना कर सका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें ईमानदारी और लगन से अपना काम करते रहना चाहिए। स्वार्थी होकर लोगों से छल करना गलत है। जादुई पत्थर। बहुत समय पहले की बात है,
एक गांव में एक ज्ञानी और दयालु संत रहता था। वो उसके पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करता और उन्हें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता था। एक बार एक आदमी आकर उस संत के सामने रोने लगता है और कहता है, संत महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे गांव में एक तूफान आया था जिसमें मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा परिवार भूखा है महाराज, कुछ तो मदद कीजिए। श्रीमान, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन मैं एक साधु हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, बाकी जैसे तुम्हारे कर्म। जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज, और कुछ नहीं। संत बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर अंदर चला जाता है। वो एक बोरी लेकर बाहर आता है। वो उस बोरी को किसान को आशीर्वाद के रूप में दे देता है और उसे उस बोरी को घर पहुँचने पर ही खोलने का आदेश देता है। संत से आशीर्वाद प्राप्त कर किसान अपने घर निकलता है। अपने घर पहुंचकर वो बोरी खोलता है और चौंक जाता है। किसान संत का अंदेशा समझ जाता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बन जाता है। वो एक आलीशान घर बनाता है। वो अपने लिए शानो शौकत की बहुत सारी चीजें भी खरीदता है। इतना ही नहीं, वो गांव के सभी गरीबों को मदद भी करता है। किसान और संत की ये कहानी पूरे गांव भर फैल जाती है। इसी तरह ये बात एक डाकू के कानों पर पड़ती है। डाकू ये बातें सुनकर चौंक जाता है और इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो भेष बदलकर एक किसान के रूप में उस संत के पास चला जाता है। संत हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी के बाहर ध्यान में डूबा होता है। इतने में डाकू वहां आ जाता है और जोर जोर से संत के सामने रोने लगता है। मेरी मदद करो साधु महाराज, मेरी मदद करो। मेरा सारा धन तूफान में चला गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मदद करो। धन तो आता है और जाता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम किसी धनवान के पास जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं महान संत जी, मुझे आपकी ही मदद चाहिए। कृपया मुझे भी उस किसान जैसे धनवान बना दीजिए। किसान के जैसे? हाँ हाँ, मैं भी आलीशान घर बनाऊंगा। संत डाकू के इरादे समझ लेता है और उसे सबक सिखाने की सोचता है। डाकू संत का राज जानने के लिए खिड़की से झांकने लगता है। वो देखता है कि संत अपना सिर एक पत्थर पे पटक रहा है। ये देख वो डाकू सोच में पड़ जाता है। इतने में संत खाली हाथ बाहर आता है और डाकू से कहता है, तुम अभी जा सकते हो। मैंने जादुई पत्थर से दुआ की है कि तुम्हारी मांगे पूरी हो। हाँ, अब बाकी जैसे तुम्हारा कर्म। ये कहकर संत वहाँ से निकल जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डाकू झोपड़ी के अंदर जाता है। वो उस पत्थर को देख सोचने लगता है। लगता है इस पत्थर पर सिर पटक कर जो भी मांगू मिल जाता है। मुझे बहुत सारा धन मांग लेना चाहिए। डाकू उस पत्थर पर अपना सिर जोर जोर से पटकता है और दर्द से चीखने लगता है। हाय, मेरा सिर फूट गया रे, कहाँ है धन? आए, मेरा सिर फूट गया। इतने में संत वहाँ पर आता है और डाकू की मूर्खता पर हंसने लगता है। मूर्ख, जादू इस पत्थर में नहीं उस किसान की मेहनत में थी। मैंने उसे धन नहीं बस कुछ अनाज के दाने दिए थे, जिसे जोतने और मेहनत करने से उसे उसका फल मिला होगा। डाकू को उसकी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि इंसान की सफलता उसके कर्मों पर ही निर्भर होती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। एक गांव में एक मजदूर अपने पत्नी के साथ रहता था। वो दूसरों के खेत में काम करके जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना गुजारा करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे। इस साल काफी अच्छी फसल हुई है। इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज देखकर मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और हमें इनाम भी देंगे। चलो जल्दी स्ट्रॉबेरी निकाल के अपना काम पूरा करते हैं, मालिक आते ही होंगे। दोनों दोबारा काम करने लगते हैं। उतने में ही वहाँ एक चूहा आता है।
वो स्ट्रॉबेरीज देख खुश हो जाता है और स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है। ए चूहे, क्या कर रहे हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। फिर आ गए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक रुक, तू मेरी स्ट्रॉबेरीज खाएगा। रुक रुक, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक, भाग मत। रुक रुक रुक, भागता कहाँ है? रुक। उस चूहे को मारने के चक्कर में देखो कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद हो गई। बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज फावड़े के मार की वजह से बर्बाद हुई नजर आती है। तभी उस खेत का मालिक वहाँ पर आता है। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद कर दी है। अब तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, समझे? तुमने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुम्हें चुकानी होगी। मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चूहा मजदूर का उदास चेहरा देखकर उस पर हंसने लगता है। अब तू गया काम से। रुक रुक, भागता कहाँ है? रुक रुक, अब कहाँ छुप गए? बाहर आओ। मजदूर के पत्नी का ध्यान अपने पति की ओर जाता है। वो तुम्हारे सिर पर है। ये कैसी आवाज है? लगता है जमीन के अंदर कुछ गड़ा है। कहीं कोई खजाना तो नहीं है ना? दोनों खुश हो जाते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। पूरी जमीन खोदने के बाद उसमें से एक घड़ा निकल आता है। हाँ? इसमें कुछ तो होगा। अरे ये तो खाली घड़ा है। लगता है आज का दिन ही खराब है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक रुक। अब कहाँ जाओगे? इतने सारे चूहे, ये तो सारी स्ट्रॉबेरीज खा जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि घड़े में तो एक ही चूहा गया था, फिर इतने सारे चूहे कैसे बाहर आए? कहीं ये घड़ा जादुई तो नहीं है? क्या जादुई घड़ा? हाँ चलो देखते क्या होता है। अरे ये तो कमाल हो गया, इस जादुई घड़े से तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी। जादुई घड़ा लेकर दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। ये लो तुम्हारे नुकसान के पैसे, अब हमें तुम्हारे नौकरी की कोई जरूरत नहीं। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। उसी रात मालिक मजदूर के घर जाता है और छुपके से देखने लगता है। ये घड़ा अगर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। ए, ये घड़ा मेरा है, मुझे पता है कि तुम्हें ये मेरे खेत में मिला है। घर जाके वो सारे हीरे और जवाहरात कई गुना बढ़ा लेता है। ऐसा इसमें क्या है? मुझे देखना चाहिए अंदर से। अरे ये तो अंदर से बिल्कुल मामूली घड़े जैसा है। मेरे इतने सारे हमशक्ल। ए मैं असली हूँ और तुम नकली हो, समझे? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, ये घड़ा मेरा है। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, ये घड़ा मेरा है। अरे मेरी नकल करना बंद करो भाई। मालिक को समझ आता है कि ये सब उसकी नकल कर रहे हैं। मालिक टोपी ऊपर उठाता है, सभी टोपी ऊपर उठाते हैं। वो घर से बाहर निकलता है, सभी हमशक्ल घर से बाहर निकलते हैं। वो घर का चक्कर लगाता है, हमशक्ल भी घर का चक्कर लगाते हैं। वो दरवाजे के पास आकर रुक जाता है, सभी हमशक्ल रुक जाते हैं। कैसे उल्लू बनाया? कैसे उल्लू बनाया? अरे लगता है ये मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मुझे घड़ा लेके भागना चाहिए।
हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुफ्त में मिली कोई भी चीज ज्यादा देर नहीं टिकती। जादुई गाय। कई वर्षों पहले की बात है, एक गांव में मैक नाम का एक दूध का व्यापारी रहता था। उसके पास एक बहुत सुंदर और तंदुरुस्त गाय थी। वो गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। वो अपनी गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और अपनी गाय को रोज ताजी घास खिलाता था। मैक और उसकी गाय बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। मैक के बगल में जोसेफ नाम का एक दूध का व्यापारी रहता था। उसके पास कई सारी गायें थी, फिर भी वो मैक से जलता था। अरे, इस मैक के पास एक गाय होकर भी ये इतना खुश कैसे रह सकता है? मुझे लगता है उसकी गाय ज्यादा दूध देती होगी। अगर ये गाय मुझे मिल जाए तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उसी दिन जोसेफ मैक के घर जाता है। हाँ? अरे बड़े साहब, आप यहाँ आइए आइए, बोलो क्या सेवा करूँ आपकी। अरे कुछ नहीं मैक, असल में एक काम से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे बोलिए मालिक, कैसा काम? और मुझ जैसा गरीब आपकी क्या मदद कर सकता है? मैक, मैं तुम्हारी एक गाय खरीदना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मैक को गुस्सा आता है। पर मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है मालिक, मेरा इस गाय के अलावा और कोई नहीं है, और ये गाय बेचूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? मैक, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। तुम उस पैसे से जमीन का एक टुकड़ा खरीद लेना और खेती करके अपना गुजारा करना। नहीं, मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है, तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, इसे मजा चखाना ही होगा। उसी रात जोसेफ मैक के घर के पास जाता है, जहाँ मैक अपनी गाय को बांधता था। वो गाय की घास में दवाई मिला देता है। दूसरे दिन मैक रोज की तरह गाय का दूध निकालने आता है। उसे उसकी गाय बहुत कमजोर नजर आती है। जैसे ही मैक दूध निकालने जाता है, गाय छटपटाने लगती है। अरे ये क्या, आज मेरी गाय को क्या हुआ है? ऐसा कई दिनों तक चलता है। एक दिन मैक के घर अचानक एक बूढ़ा आदमी आता है। सुनो बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैक के पास कम खाना होता है, फिर भी मैक अपने हिस्से का खाना उस बूढ़े आदमी को देता है और खुद भूखा रहता है। शुक्रिया मेरे बच्चे। बूढ़े आदमी की नजर मैक के गाय पर पड़ती है। सुनो बच्चे, ये गाय तो बीमार लग रही है, क्या ये बीमार गाय तुम्हारी है? हाँ, इसीलिए आजकल ये खाना नहीं खा रही है और दूध भी देना बंद कर दिया है। अरे रो मत मेरे बच्चे। बूढ़ा आदमी गाय के सिर पर हाथ घुमाता है और अपनी झोली में से एक पत्ता निकालकर गाय को खिलाता है। लो बच्चे, तुम्हारी गाय अब एकदम पहले जैसी हो गई है। हाँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैक अपने गाय के पास आता है और दूध निकालने लगता है। अरे ये क्या, मेरी गाय तो पहले से ज्यादा दूध देने लगी है, शायद वो बूढ़ा आदमी कोई फरिश्ता था। ऐसे ही गाय के रोजाना ज्यादा दूध देते मैक बहुत पैसे कमाता है। मैक जल्द ही एक और गाय खरीदता है। ऐसे करते करते वो उस गांव का बहुत बड़ा दूध का व्यापारी बन जाता है। और दूसरी तरफ जोसेफ को दूध के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या से हम अपना और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।